गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आ गई हूँ एक और हॉरर वीडियो जो आप लोगों ने ऑलरेडी आइडिया ले चुके हो। और इससे पहले भी मैं एक स्माइलिंग वुमन के ऊपर रिएक्शन लेकर आ चुकी हूँ। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो है वो है अ स्माइलिंग वुमन स्टोरी। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। बस करना क्या होता है, सिंपल सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताने की और किसके वीडियोज पे रिएक्शन चाहिए है। या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो। इसका लिंक भी मुझे इंस्टाग्राम पे ही शेयर किया गया था। और दूसरी चीज ये कि मैंने जैसे बोला था लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, कि मैं अपनी जो है एक फनी वाली हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी जो हुआ था इंसिडेंट मेरे साथ में। तो वीडियो खत्म होने के बाद फिर मैं आप लोगों को वो स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? तो जिसको सुनकर आप लोगों को डेफिनेटली हंसी आने वाली कि हुआ क्या था मेरे साथ में। तो चलते हैं हम लोग ये वीडियो के साइड पे। लेकिन जिनको डर लगता है तो फिर प्लीज आप लोग ये वीडियो मत देखना, और फिर भी देखना चाहते हो तो डे में देख लेना अपने ओन रिस्क पे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत हो गई बातें, एंट्रो के लिए काफी है इतना, सही है ना? और मुझे डर भर कुछ नहीं लग रहा। उसमें भी ट्रेन का ही था सीन, इसमें भी यही है। ओके, This is so awesome. It is 1:01 a.m. and we are here at the infamous train station of the first sighting of the smiling woman. Madeline, over here. You've got to see this. I'm sitting at the very bench where her first victim sat. What's wrong? Six months pehle ki, okay. Oh, she's great. Dude, where did you hire her from? I didn't. What? I didn't hire her. She's gone. Where is she? There. Is that change? Read this. Do you like my yellow dress? I know how this ends. I'm out. Zoe. Hey. मुझे नहीं लगा डर, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे अच्छा खासा डर लगा था और थी वो हॉरर, ये उतनी हॉरर नहीं थी, ठीक है? इतना मुझे डर नहीं लगा इतना। ओके, मैं ये नहीं बोल सकती कि मजा नहीं आया, मजा आया मुझे, लेकिन तो बहुत ही शॉर्ट थी, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट थी, ठीक है? एंड दूसरी चीज ये कि वो अब समझ में आया जो मेरा था ना कि लड़की चेंज है, तो उसके अंदर बता दिया उन्होंने, ठीक है? तो अभी आप लोग जो सब लोग सबर कर रहे हैं कि मेरी क्या स्टोरी है, तो हुआ ये ना कि यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर जो है ना वार्डरोब है हमारा, ये तो ओके। तो और यहाँ पर सामने जो है ना मेरे रूम का डोर है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना बालकनी है, या आप उसको गैलरी भी बोल सकते हो, ठीक है? तो रात में ना मैं स्टोरी सुन रही थी, और मैं काफी टाइम से स्टोरी सुन रही थी उनकी, जो जिनके ऊपर स्टोरीज आती है वो चैनल पे,
और उसके अंदर स्टोरी सुनाने का तरीका इतना प्यारा है ना उनका, और जो पिक्चर्स वो उसके अंदर ऐड करते हैं और जो बीच में साउंड्स इफेक्ट्स जो ऐड करते हैं वो बहुत ऐसे ना ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कुछ रात के 2 या 3 बज गए थे और नींद नहीं आ रही थी, सुन रही हूँ तो एकदम से ना मेरी यहाँ पर मेडिसिन रखे हुए थे लैपटॉप के ऊपर और वो ना खिसक के नीचे हो गई और मैं यहीं पर लेटी हुई थी जहाँ पर अभी मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे लगा कि यस ठीक है ओके रिलैक्स, मैंने इजी लिया। फिर उसके बाद ना जो हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि बालकनी का डोर था या गैलरी का डोर था, तो वैसे बजा ठक ठक करके, तो मैंने उसका ना वॉल्यूम एकदम कम कर दिया और मैं सुना कि क्या हुआ क्या नहीं। और उतने इसमें, अच्छा एक और बात बता दूं कि हमारे इधर फ्रंट में एक मेन गेट है और यहाँ पर जो है ना बाउंड्री पे वहां पर एक छोटा गेट है, छोटी सी, वहां पर गार्डनिंग करते हैं हम लोग तो वहां पर एंट्री करने के लिए। और जैसे ही मैंने वॉल्यूम कम किया और सुनने की कोशिश करी थी और यहाँ से डोर का ये बंद हुआ बैंग बैंग करना, मतलब वो हिलना उसका आवाज आना, और यहाँ से जो है ना हमारा गेट जो है ठीक है वो बजना स्टार्ट हुआ ठन 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 करके। एंड मेरी हिम्मत ना होवे ठीक है कि मैं कर्टन हटाकर विंडो से देखूं नीचे झुककर कि कौन बजा रहा है। एंड फिर भी मैंने हिम्मत की, ठीक है कर्टन हटाकर मैंने देखा कि नीचे कौन है, तो कोई भी नहीं, ठीक है। और मुझे समझ में आता है क्योंकि एकदम सामने ही है ना, तो समझ में आता है कि वो हमारा ही गेट जो है ना किसी ने हिलाया था। तो थोड़ी देर के बाद वापस से हिला वो और मेरे सामने ही हिला और मैं यहीं से विंडो से देख रही थी। ऐसा डर लग रहा था हमें, ऐसा डर लग रहा था ना बाद में ना ना आवाज निकालूं क्या करूं, मम्मी तो नीचे सोती, मम्मी का रूम नीचे है, भैया भी नीचे सोते हैं। तो फिर उसके बाद ना उतने इसमें जादू ने ठीक है भौंका तो मेरे ऐसा थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई कि ओके ये जादू जो है ना डोर को बजा रहा था, मतलब कि गेट को बजा रहा था कि खोलो मुझे अंदर आना है। नाइट में हम लोग जो है ना हमारा जो डॉगी है ठीक है उसका नाम जादू है तो उसको खुला छोड़ देते हैं। और हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अगर आप लोग ब्लॉग देखते तो आप लोगों को पता होगा कि मेन गेट के सामने जो है ना खोद के रखा हुआ था पूरा कॉरपोरेशन वालों ने, तो ये वाला गेट से हम लोग जो है ना आना जाना कर रहे थे बाहर। तो जादू को पता था कि वहां से एंट्री होनी है तो उसके लिए वो बजा रहा था, लेकिन वो नाइट मेरी ओ माई गॉड, वो जो उतना 15 मिनट का जो टाइम गया ना उफ पूछो मत, बहुत डर लगा था मुझे। फटाफट जो चैनल चेंज किया, बस दूसरा कुछ देखती बैठी, मैंने कहा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और वो टाइमिंग भी ऐसा मैच हुआ ना लिटरली हमें बहुत डर लगा। ठीक है ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन देखना इतना पसंद है ना कि पूछो मत। मुझे डेली में मुझे कोई ना कोई एक तो भी हॉरर स्टोरी या हॉरर वीडियो मुझे चाहिए ही चाहिए है, स्टोरीज तो डेफिनेटली चाहिए है ऐसी चीज है। तो यस ये थी मेरी छोटी सी फनी सी स्टोरी, ठीक है होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी है। इससे पहले भी मेरे कुछ एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर आप लोगों को सुनना है वो तो मुझे प्लीज जरूर बताना, ठीक है। तो चलो जी आज की वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया है, मैंने एंजॉय किया है, लेकिन मैंने उतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने पहले वाले इसमें वीडियो में एंजॉय किया था। एंड अगर आप लोगों को जो है हॉरर वीडियोस और देखना पसंद है तो प्लीज मुझे जो है ना लिंक शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे कॉमेंट करके टाइटल जरूर मेंशन कर देना और चैनल का नाम भी। और तो ये जो हमेशा बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और जिनको हॉरर देखना पसंद है उनके साथ में भी। और यहाँ तक देखा है तो आई थिंक आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए है, और मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय। Like fireflies, 'cause there's so many things left to explore.